तो गाइस आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और मैं डेली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करती हूँ, तो अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेंजेस ऑफ एल एन कर्व, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे था कि सेलेक्ट द करेक्ट आपको इसमें से एक कुछ भी कोड निकाला था। आप रख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। ये ऑप्शंस था जिसमें था 1 2 3, ठीक है। ऐसे कुछ रहेगा 1 4 और 2, कुछ ऑप्शंस ऐसे थे, ठीक है। और कुछ आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको करेक्ट कोड बताना होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चंस था, मैंने इतना ही लिखा, बाकी का क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने ये कोड मुझे याद था, कुछ ऐसे कोड लिखे हुए थे। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको क्या बताना, रेंजेस ऑफ एल एन कर्व बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट था, कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक है, एल एन कर्व। यहाँ पर एक चीज देखिए, जो सबसे ऊपर है ये क्या है, क्लासिकल रेंज। ये क्या है, क्लासिकल रेंज है। क्लासिकल कब होता है, लॉन्ग रन पे होता है। तो ये आपका क्या होगा, लॉन्ग रन होगा। ये क्या होगा आपका, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन। बीच में क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होगा बीच में आपका, इंटरमीडिएट, ठीक है, रेंज जो कि आपका मीडियम, मीडियम रन होगा, ठीक है। और सबसे नीचे में होगा शॉर्ट रन, ठीक है, केन्स का शॉर्ट रन होगा, ठीक है। लास्ट में होगा केन्जियन रेंज, केन्जियन, केन्जियन रेंज जो कि शॉर्ट रन होगा, ठीक है। आपने देख लिया सबसे पहले क्या, क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज कब आया था, शॉर्ट सॉरी लॉन्ग रन में क्लासिकल, ठीक है। और मीडियम में क्या था, इंटरमीडिएट रेंज। और शॉर्ट रन सबसे लास्ट में आया जो कि केन्जियन रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा क्लासिकल रेंज होता है, इंटरमीडिएट रेंज होता है, केन्जियन रेंज होता है, ठीक है। तो आपका 1 2 ये क्लासिकल, ठीक है, यहाँ पर मिल गया क्लासिकल करेक्ट है, 1 करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इंटरमीडिएट होता है 4 4 भी होगा। और देखिए केन्जियन रेंज, केन्जियन लास्ट में था, केन्जियन रेंज 2, ठीक है। तो 1 4 2 या फिर 1 2 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन देखिए, 1 4 2 आपको ऑप्शन मिल गया, तो बी वाला आपका आंसर हो गया 1 4 2, ठीक है। इसमें तीन ही रेंज होता है, क्लासिकल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और केन्जियन रेंज। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये तीन रेंज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस इज टू बी टेस्टेड, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस की, तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में आपका क्या आता है, एफ टेस्ट आता है, ठीक है। ओवरऑल में क्या आता है, एफ टेस्ट आता है आपका, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल में जेड भी आ जाएगा, काई स्क्वायर भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल में आएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल या मल्टीपल की बात करें उसमें एफ टेस्ट आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया एफ टेस्ट। देखिए क्वेश्चन क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, आपको बताना है इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू, ठीक है। तो ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, ठीक है, सिंपली अगर हम बोले तो। और इंटरनेशनल वर्ड अगर जुड़ गया, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, इसमें क्या होगा कि
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है लेकिन दो कंट्री के बीच, अलग अलग कंट्री के बीच हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज के बीच हो रहा है, अपने कंट्री से बाहर हो रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। जब कंट्री के अंदर होता है वो नेशनल होगा, लेकिन अगर बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है, कंट्री से बाहर ट्रेड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड होता है दो अलग अलग कंट्री के बीच में, ठीक है, कंट्री ए का ट्रेड होगा कंट्री बी के बीच, मतलब दो अलग अलग कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ व्यापार करे किसी भी चीज का करे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब वो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा उसमें, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बहुत सिंपली आप समझ गए, यहाँ पे क्या होता है दो अलग अलग कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका आंसर क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो आंसर विल बी टू रीजन ऑफ, ये तो नहीं होगा, टू कंट्रीज, आंसर विल बी बी, ठीक है, दो कंट्री के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी आता है। तो अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है, आंसर विल बी क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या हो गया, डी ऑल ऑफ द अबव,